तो यहाँ पे अनाम बुधौलिया नाम बताया मुझे अंकल जी ने अपना, और उम्र से बिल्कुल लगती नहीं है मुझे, तो 47 48 के लग रहे हैं, लेकिन एज है मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, बस खुद ही बता दिया इन्होंने। है तो मुझे मिल गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है कि आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो जाती है वहाँ पे। तो मुझे अनाम जी मिल गए हैं, और इन्होंने यहाँ पे एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, दर्शन करने की सलाह दी है, और रास्ते में ही है क्योंकि, तो हमने सोचा कि हम दोनों मिलके दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन रहे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि एक छोटी सी पहाड़ी पे ये मंदिर बसा हुआ है। तो प्रेम से बोलिए हरा हरा महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम। भारतवर्ष में जहां पे भी आप श्री शिव शंकर के मंदिरों को देखेंगे, तो आपको राम जानकी या नारायण के किसी भी स्वरूप जो है वो वहां पे अवश्य दिखाई देंगे, क्योंकि श्री शिव शंकर तभी अपनी पूजा एक्सेप्ट करते हैं जब आप श्री नारायण की भी पूजा करो साथ में। तो बहुत ही सुंदर छवि मुझे राम जानकी की लग रही है, और बिल्कुल ऐसी ही छवि जनकपुर में भी मैंने देखी है। राम जानकी में इतने ही सुंदर वो लगते रहते हैं, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी हैं यहाँ पे, और ठाकुर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी सबका कल्याण करें। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर छवि राम जानकी, तो इतने सुंदर ऐसा कर रहा है जैसे घर ले जाओ इन्हें, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत अति सुंदर है यहाँ पे राम जानकी। छोटी सी पहाड़ी है, बहुत ही छोटी सी, और वहाँ पे आपको श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन होते हैं। दतिया शहर और ये चौराहा, जाम लगने लगा। आप सख्ती नहीं करें तो कम कर देंगे पूरी चार्ज में। अच्छा, सब पहाड़ वाले हैं यहाँ चार्ज। जी जी जी। तो अंकल जी ने मुझे लिफ्ट दे दिया है, और मैं बिल्कुल पीतांबरा माता के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य द्वार है। मैंने इनका बहुत धन्यवाद किया है, क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है दतिया, तो ठीक ठाक शहर है, लेकिन जहाँ मैं गया था वो बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ से कोई भी वाहन ज़्यादा चलते नहीं है। तो बहुत धन्यवाद आपका। दतिया बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे कि जिस तरह से ये छतरी यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह की छतरियाँ मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं ओरछा के लिए और झांसी के लिए और दतिया कवर करने आऊँगा। तो नारायण की कृपा से मैं ज़रूर आपको ये छतरियाँ, बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। ये तो एक छोटा सा है जो कि मेन रोड पे है, दूर दूर हर राजा की अलग अलग छतरियाँ बनी हुई हैं, और दतिया का जो राजमहल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा। तो बहुत ही सुंदर महल है, पता नहीं कुछ ही चीज़ों को हमारे यहाँ इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा उनका महिमा मंडन किया गया है, जबकि हमारे यहाँ अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें भरी पड़ी हैं, इतनी इमारतें हैं पूरा पूरे देश में और MP में तो खासकर, मैं सच कहूँगा। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो जूता घर में माँ पीतांबरा के बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है जूता घर, जहाँ पे आप जो है अपने जूते जमा कर सकते हैं। इधर उधर जमा करेंगे तो खो जाने का ज़रूर डर रहता है। तो जूता उतारने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ऐसा सजेस्ट किया गया कि क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख दीजिए, तो अपना बैग उतार के जा रहा हूँ। प्रसाद काउंटर से प्रसाद लेने के बाद फिर मैंने इस बच्ची से ये फ्लावर खरीदे हैं, और ये मैंने एक छोटी सी माला परचेज की है माता पीतांबरा को अर्पित करने के लिए। क्यों लल्ली, माला खरीदी आपने? इसके बाद मैं, क्योंकि आज सैटरडे और बहुत ज़्यादा मेन डे होता है ये इस टेम्पल के लिए, तो बहुत ज़्यादा लाइन है, अभी बहुत लंबी लाइन चल रही थी, लेकिन माता की कृपा से थोड़ी छोटी हो गई है, और देखते हैं कि मेरा नंबर कब आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है, और इसीलिए लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि चेकिंग हो रही है सब। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश है, रश इस वजह से है क्योंकि आज सैटरडे है, मेन डे है टेम्पल का, जहाँ पे माँ पीतांबरा के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं, दतिया ही नहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जैसे वैष्णो देवी में लाइन लगती है, इसी तरह से यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे मंदिर परिसर में जो हम एंटर करने, मंदिर परिसर में तो एंटर कर चुके थे, मंदिर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे शाम के 6 बज गए हैं, और
धीरे धीरे लाइन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सैटरडे है इस वजह से यहाँ पे इतना रश है। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल किसी भी वीकडेज पे आएंगे तो इतना यहाँ पे आपको रश नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। उसमें भी अगर आप सैटरडे की इवनिंग में यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको दर्शन में थोड़ा जो है वो आपको विलम्ब होगा। तो ये प्रांगण जो है ये यहाँ पे माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी का प्रांगण है, जहाँ पे सभी लोगों ने अभी तक दर्शन के इंतजार में खड़े हैं और धीरे धीरे सबको दर्शन माता दे रही हैं। ये दर्शन करा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं चोरी चुपके यहाँ से थोड़ा सा ले रहा हूँ, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये दर्शन जो है ये मेन दर्शन है, अंदर उधर मंदिर है जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फोटोग्राफी। वीडियोस लेना वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल, मैं बिल्कुल छुपके ले रहा हूँ। और मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो पूरा प्रेमाइसिस है ये सारा बगलामुखी देवी माँ पीताम्बरा से रिलेटेड है, और यहाँ पे माँ धूमावती अपना स्थान रखती हैं और धूमावती की आरती के लाइन में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही चोरी से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है और अच्छा नहीं लगता कि कोई टोक दे आपको। तो यहाँ पे हम धूमावती माई के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पता चला है कि यहाँ पे प्रसाद जो होता है वो प्रसाद आप नमकीन प्रसाद चढ़ा सकते हैं माता को, क्योंकि माता का ये वैधव्य रूप है और नमकीन प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे सिर्फ जेंट्स खा सकते हैं। और कोशिश करें घर ना ले जाएं और यहीं पे मंदिर पे प्रसाद खा लें। क्यों प्रभु जी, ऐसा ही होता है ना जी? तो यही प्रभु जी हैं, इन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, थैंक यू सो मच। मैं आपको रश देखे यहाँ पे कितना ही रश है, क्योंकि सैटरडे को ही ये मंदिर जो है वो ज़्यादा देर के लिए खुलता है, अदरवाइज़ रोज़ सिर्फ आरती होती है और 10 मिनट के लिए खुलता है। और मुझे यहाँ पे इस मंदिर में करीब 7 बजे से मैं यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ और अभी तक जो है नंबर नहीं आया। आप देख सकते हो कि कितनी ही सारी लाइन है। ये इसी तरह जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं और बहुत सारी आपको जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में लग के और उसके बाद ही दर्शन पाते हैं आप। सामने आप देखेंगे कि धूमावती माई हैं और ये दर्शन दे रही हैं सबको। हमें भी अगर हमारे भाग्य अच्छे रहे तो अच्छे दर्शन होंगे और माई सबका कल्याण करती हैं। आप उनको देख पाओ या नहीं देख पाओ, लेकिन माई सबको देख रही होती है यहाँ पे। तो ऐसे विश्वास के साथ यहाँ पे आना चाहिए जिससे कि आपका और बाकी सभी का कल्याण हो। वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ यहाँ। हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे और कोई अगर टोक देता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि जनता को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए आप कहीं पे जा रहे हैं किसी धार्मिक क्षेत्र में, तो इसलिए थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी मैं यहाँ पे चोरी चुपके कर रहा हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पे श्री माता बगलामुखी माँ पीताम्बरा के दर्शन कर लिए हैं और माता धूमावती के दर्शन भी कर लिए हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि ये एग्जिट है, तो यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और लेकिन इधर की तरफ ये जितने भी लोग हैं ये सारे लाइन में लगे हुए हैं और माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए लाइन में है। और उसके बाद धूमावती माता का मंदिर जो कि सिर्फ सैटरडे को खुलता है आम दर्शनों के लिए, और इसके अलावा वो रोज़ सिर्फ आरती के समय 10 मिनट के लिए खुलता है जिसमें आम दर्शन नहीं होते, तो उसके दर्शन भी मैंने कर लिए। माँ धूमावती के बहुत ही सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। माँ धूमावती माता का वैधव्य स्वरूप है, उनको कोई प्रसाद नहीं चढ़ता मीठा, वो नमकीन प्रसाद उनको चढ़ता है और इसके अलावा वो सफ़ेद फूलों की माला उनको चढ़ती है। माँ धूमावती माँ बगलामुखी सबका कल्याण करें। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह बढ़े। माता को विधिवत भोग लगा के और उसके बाद जो प्रसाद यहाँ पे काउंटर पे आप प्राप्त कर सकते हैं, मैंने जो प्रसाद क्षमा मैंने जो ये प्रसाद लिया हुआ है ये प्रसाद मैंने माता को चढ़ा दिया है और अब मैं यहाँ से माता को विधिवत भोग लगा हुआ प्रसाद भी ले रहा हूँ। और भी यहाँ पे आए तो थोड़ा संभल के आए क्योंकि सैटरडे को यहाँ पे एक्सेस रश रहता है, बच्चों को लेके अगर आप आएंगे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। हर बच्चे पे एक बड़ा होना चाहिए तभी आपको दर्शन अच्छे होंगे और आपका अनुभव अच्छा रहेगा। तो फाइनली हम श्री माता पीताम्बरा से माँ बगलामुखी से माँ धूमावती से विदाई लेते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे ये कामना करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इतनी महिमा है इनकी कि पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि यहीं पे उमड़ पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा रश है, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर प्रसाद है यहाँ पे, बहुत टेस्टी प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। देखेंगे कि हर यहाँ पर फैसिलिटीज़ ठीक है, आप इसे बुरा नहीं कह सकते। क्लोक रूम यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोक रूम में आप अपना सामान जमा करा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसके अलावा आप शू रूम है जहाँ पे आप बाहर ही है
और वहाँ पे आप अपने शूज हैं वो सबमिट करा सकते हैं। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कोई रूम नहीं भी लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में नहा धो के आए हैं तो आप बिल्कुल माता के दर्शन यहाँ पे अपने सामान को जमा करके कर सकते हैं। तो मैं अभी जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रसाद खाना भोजन प्रसाद नहीं लिया है, तो अभी मैं भोजन प्रसाद लेके और उसके बाद फिर मैं झांसी स्टेशन के लिए रवाना होऊंगा। तो गाइस, माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद मैं इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन झांसी पहुँच चुका हूँ, जहाँ से मेरी दिल्ली के लिए ट्रेन है। और मुझे लगता है कि इतना ही सुंदर सजाया हुआ है ये झांसी का रेलवे स्टेशन, अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। आप देखिए कितना ही सुंदर ये पूरा झांसी का रेलवे स्टेशन जो है वो सजाया हुआ है, और इसमें जो कलर है वो बिल्कुल रेड कलर है, रेड कलर की थीम दी गई है, और वो हर जगह लाइटिंग से इसको पूरा ही ये जगमग कर रहा है, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी कोई इंडियन रेलवे का कोई ये रेलवे स्टेशन होगा, क्योंकि पहले हमने कभी इस तरह के चेंजेस नहीं देखे थे इन चीज़ों में, ख़ास करके कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो संपत्तियाँ होती हैं उसमें। लेकिन मुझे ये स्टेशन बहुत ही प्यारा लगा, और ये कलर भी चेंज कर रहा है, आप देख रहे होगे कि अभी रेड था और अब ये ग्रीन हो गया, फिर ये लाइट ब्लू हो गया है, और इसी तरह से कलर चेंज करता जा रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा झांसी का रेलवे स्टेशन। हालांकि मैंने झांसी में कहीं मैं घूमा नहीं, सिर्फ मुझे ट्रेन पकड़नी है इसलिए मैं झांसी का रेलवे स्टेशन आया हूँ। और इसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये व्लॉग, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी माँ पीताम्बरा को के धाम में आपको दर्शन कराए, आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे मोटिवेट करें अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ा के, ताकि मैं आपके पास और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।